इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ऑप्टिकल डिस्क की कुछ प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल डिस्क, जैसा कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, एक बिल्कुल फ्लैट स्टोरेज है हमारा, जिसमें हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, इस तरह की एक डिस्क सरफेस पे। अब आप देख सकते हैं इस वक्त आपको इस पिक्चर में एक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क दिखाई गई है। ऑप्टिकल डिस्क जो है ये दरअसल एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है जो कि बाइनरी के डेटा को इनकोड कर सकती है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये मेड ऑफ एल्युमिनियम होती है, यानी इसके अंदर ये एल्युमिनियम के मटेरियल से बनाई जाती है, और इसके अंदर बहुत ही स्मॉल डॉट्स होते हैं और हर डॉट के अंदर हमारी एक बिट वैल्यू स्टोर होती है। उन डॉट को पिट्स कहा जाता है, ये हम इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि ये स्पिन करती है स्पीड ऑफ 200 RPM से लेकर 4000 RPM तक। यहाँ पे RPM का क्या मतलब है? RPM का मतलब है कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में इतने रेवोल्यूशंस जो है ये कंप्लीट कर सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 4000 रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन कहते हैं चक्कर को, यानी ये हम इसको इंसर्ट करते हैं अपनी सीडी ड्राइव में तो वहाँ पे ये गोल सर्कुलेट करती है, एक अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है जो कि रेवोल्यूशन कहलाता है। तो ये इसकी कुछ इसकी स्पिन स्पीड है इसकी, जो कि ये स्पिन करती है हमारी सीडी ड्राइव में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसकी दो साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड होती है इसकी जहाँ पे हमारा एक्चुअल डाटा स्टोर होता है, और बैक पे एक कवर लगा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसकी बैक साइड पे हमने एक कवर, एक स्टिकर लगाया हुआ है। और नॉर्मली इसकी जो थिकनेस होती है, यानी इसकी जो मोटाई होती है, वो होती है 1.2 मिलीमीटर। साइज, नॉर्मल साइज जो इसका होता है, जो कि स्टैंडर्ड है, वो है 3.5 इंचेस। और जो यहाँ पे ये ट्रैक पिच है, ये दरअसल होती है 1.6 माइक्रोमीटर। ट्रैक पिच क्या होती है? ये दरअसल डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच ट्रैक, यानी कि हमारी जो ऑप्टिकल स्टोरेज होती है इसके अंदर इस तरह के स्मॉल इनर और आउटर ट्रैक्स बने होते हैं। हर ट्रैक पे जो है हमारा डाटा बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। दो इसके ट्रैक्स होते हैं, एक इसके इनर ट्रैक होते हैं और इसके आउटर ट्रैक होते हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ट्रैक पिच का क्या मतलब है। ट्रैक पिच का मतलब ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये एक ट्रैक है और ये एक ट्रैक है, इन दोनों के दरमियान को जो डिस्टेंस है ये दरअसल ट्रैक पिच कहलाता है। ट्रैक पिच से हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने आ सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल स्टोरेज में। जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ट्रैक पिच जो है वो कम होगा, और ट्रैक ज़्यादा होंगे उसका मतलब ये कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स, यानी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकेंगे। ऐसा कि आप इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्टिकल स्टोरेज को दिखाया गया है, जैसे कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क और एक DVD, जिसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। अब इन दोनों में देखें कि यहाँ पे जो नॉर्मल हमारी सीडी होती है, इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, इसमें जो हमारी ट्रैक पिच है, ये देखें, ये एक मुकम्मल ट्रैक है। इस ट्रैक में स्मॉल पिट्स बने हुए हैं और हर एक पिट पे जो है हमारी एक बाइनरी वैल्यू स्टोर हो रही है। अब इसके जो साथ वाला ट्रैक है, ये वाला, इन दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.6 माइक्रोमीटर। उसके मुकाबले में जो DVD है, इसके अंदर आप ट्रैक का डिस्टेंस देखें, वो कम हो गया 0.74 माइक्रोमीटर। इसी तरह जो हमारी एडवांस डिस्क आती है, ब्लू रे डिस्क, उसमें फिर और हमारा जो ट्रैक पिच है वो और कम हो जाती है। अब आप देखेंगे ट्रैक पिच के कम होने से क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो इंक्रीज कर गए, और इससे हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये दरअसल कहलाता है ट्रैक पिच। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में यहाँ पे R0 इंटरनल रेडियस को शो कर रहा है, यानी कि इसके सेंटर से लेकर इसके इंटरनल जो इसकी यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग है, इंटरनल जिस जो यहाँ पे इसका एक स्मॉल सा होल है, इसको R0 से शो किया, और इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो दरअसल इसके सेंटर से लेकर इसके आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, ये दरअसल इसका रेडियस कहलाता है। तो ये हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं एक नॉर्मल ऑप्टिकल स्टोरेज की। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की, जैसे कि CD और DVD और ब्लू रे, इन दोनों को हम अब अलग-अलग स्टडी करेंगे और इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ जानेंगे।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क से, जिसको हम सीडी कहते हैं। ये हमारी होती है मुख्तलिफ टाइप्स की, जैसे कि सिंपल एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो कि सिंपल रीड ओनली होती है, यानी उसके अंदर हमारा डाटा होता है, उसमें हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं। और इसके साथ हमारी एक और सीडी ड्राइव, सीडी ऑप्टिकल आती है, जिसको हम सीडीआर कहते हैं या सीडी रिकॉर्डेबल कहते हैं। सीडीआर या सीडी रिकॉर्डेबल जो होती है हमारी, वो दरअसल क्या होती है कि उसके अंदर हम अपना जो डाटा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर एक थर्ड टाइप आता है जिसको हम री रिकॉर्डेबल कहते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, जिसको हम आम तौर पे CDRW से शो करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक री रिकॉर्डेबल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे दिखाई गई है, और नॉर्मल जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। लेकिन ऑनवर्ड्स 2000 मिड 2000 यानी टिल 2005 इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और इसको फिर आगे चल के रिप्लेस किया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको हम DVD कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 700 MB से इंक्रीज कर जाती है 4.7 GB में, यानी इतना डाटा हम अब इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि CDR में और CDRW यानी सीडी रिकॉर्डेबल में और सीडी री रिकॉर्डेबल में क्या फ़र्क है, जो हमारी सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क होती है वो सिर्फ एक दफ़ा हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब उसमें एक दफ़ा रिकॉर्डिंग होने के बाद हम उसे उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में जो हमारी सीडीआरडब्ल्यू डिस्क जो होती है, उसे एक दफ़ा रिकॉर्ड करने के बाद उसको दोबारा भी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से ये री रिकॉर्डेबल कहलाती है, यानी इसके अंदर आप मल्टीपल टाइम जो है वो री रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जिस तरह के आप हार्ड ड्राइव में करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको DVD कहते हैं वो दिखाई गई है, और इसके अंदर आमतौर पर जो इसकी मिनिमम होती है कैपेसिटी वो 4.7 GB होती है, लेकिन इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट आती गई और इसका साइज चला गया 16 GB यानी 16 GB तक। और इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये डबल साइडेड भी हो सकती है, यानी इसके अंदर दो सरफेस के ऊपर काम किया जा सकता है, एक इसकी फ्रंट सरफेस जहाँ पे हमारा एक्चुअल डाटा स्टोर होता है, और एक सरफेस, एक लेयर बिछाई जा सकती है इसकी बैक साइड पे, यानी दोनों साइड्स पे हम डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट आती है, जो कि अभी लेटेस्ट हमारी जो ऑप्टिकल स्टोरेज इस्तेमाल हो रही है वो दरअसल हमारी ब्लू रे स्टोरेज है। ब्लू रे स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो 4.7 यानी 16 GB 4.7 16 GB DVD की कैपेसिटी थी, इसको इंक्रीज करके ब्लू रे के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये 50 GB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लू रे डिस्क आपको दिखाई गई है। इस ब्लू रे डिस्क के अंदर हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 50 GB से लेकर 100 GB की। और नॉर्मल जो हमारे CD एंड DVD प्लेयर्स हैं उसमें हम इसको रन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अलहदा से एक ब्लू रे जो है वो यहाँ पे हमें एक एक प्लेयर चाहिए होता है, जो कि सिर्फ ब्लू रे डिस्क के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर CDs एंड DVDs भी चल सकती हैं, लेकिन नॉर्मल जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, CD एंड DVD ड्राइव्स होती हैं, वहाँ पर हम ब्लू रे डिस्क को नहीं चला सकते। तो इन तीनों डिस्क, जो हमारी तीनों डिस्क हैं यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इनके ट्रैक पिच, जिसको हमने इससे पहले डिस्कस किया, ये ट्रैक पिच क्या है कि एक ट्रैक का दूसरे ट्रैक का डिस्टेंस जो है उसमें फ़र्क आता है। इसके अलावा इनकी जो वेव लेंथ है, यानी कि जब इसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल ड्राइव में, सीडी ड्राइव में, डीवीडी ड्राइव में या ब्लू रे ड्राइव में जब हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो स्मॉल पिट्स हैं, इसके अंदर जो स्मॉल पिट्स है, यहाँ से लाइट आके इनसे हिट करती है, हिट करके वापस रिफ्लेक्ट होती है। जब रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट की खास वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ से हमें जो है वो डिपेंड, हमें ज़्यादा क्वालिटी का डाटा हासिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ है, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, वो तीनों डिस्क में डिफरेंट होती है। इसको हम डिटेल में, इससे पहले एक ऑप्टिकल स्टोरेज की जो वीडियो थी उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हमने जितने भी हमारी डिस्क थी, ब्लू रे डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क, इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ को जाना और समझा कि ये क्या होती हैं।